कहन दोस्तों, एक साथ पांच घोषणाओं का सच क्या है वो घोषणा, और ये जो वायरल हो रही खबर आखिर इसके पीछे क्या है सच्चाई, जरा बोल के समझते हैं। एक साथ पांच बड़ी घोषणाएं सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के लिए छुट्टी मिलेगी 100 दिन, 70 दिन, 130 दिन कैजुअली, ये घोषणा करेंगे पांडे साहब 1 जनवरी 2023 से। बराबर MSP मिलिट्री सर्विस पे बराबर, चाहे अफसर हो JCO वार हो, 10,500 होगी सभी की। इस न्यूज का क्या है सच, ऑनरी रैंक जितने JCO हैं तीनों सर्विस में 70% JCO ऑनरी रैंक लेके जाएंगे, और पेंशन इंक्रीज होगी आपकी 1 जनवरी 2016 से 6% इंक्रीज का हो रहा है मैसेज वायरल। हवाला दे रहे हैं कि 5 सितंबर 2017 का एक लेटर है, इसमें ऐसा लिखा गया है कि पेंशन इस बेस के ऊपर इंक्रीज होगी। और लास्ट की बात है रीसेटलमेंट, इन्होंने कहा है कि जो भी एक्स सर्विस मैन है उनको एम्प्लॉयमेंट होगा, स्टेशन हेडक्वार्टर में हो, ECHS में हो, और कहीं भी आर्मी जो भी है सोल्जर बोर्ड हो, सब में ही होगा। आखिर एक खबर है, कम से कम मेरे पास 500 लोगों ने भेजी है, 500 लोगों ने भेजी है, कई ग्रुप में चल रही है, यानी मैं कल से पढ़ रहा हूं। आखिर क्या है सच्चाई, लोग हमसे पूछ रहे हैं सर ये फेक है या सच है, फेक है या सच है, आखिर इसके बारे में आप क्या कहना है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर बात करूंगा, आपको ऐसा लग सकता है कि सरकार के पास इतनी ताकत और इच्छा शक्ति है कि जवानों को इतना सब कुछ दे दे, वो भी एक साथ दे दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। इस खबर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, लिखा हुआ है मैक्सिमम शेयर करिए, पेंशनर से करिए, जनरल पांडे साहब घोषणा करने वाले हैं, भाई ये भ्रामक खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीव के लिए आपको बता दिया सेम है, मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है, ऑनरी रैंक जितना है जो उसका रेशियो पिछले साल बढ़ा था आपने देखा होगा उतना ही है, और पेंशन इंक्रीज का केस चल रहा है कोर्ट में अभी, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, कोई नया न्यूज ऐसा है नहीं, ये टोटल वायरल खबर है। इसकी सच्चाई है कि फेक है, छलावा है, इसके झांसे में कभी नहीं आना, ऐसी चीजें होती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।